नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस दल की एक और बैठक, पायलट और अन्य कई विधायकों के शामिल होने की संभावना। सोमवार को पूरे दिन चलती रही पायलट को मनाने की कवायद, प्रियंका ने बात की तो शर्तों और फार्मूले पर आ गए पायलट। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ पायलट के बागी तेवर बरकरार, का हमारे पास 30 विधायक, बहुमत साबित करे सरकार। राजस्थान विवाद आज ही निपटाना चाहता है कांग्रेस आला कमान, मुख्यमंत्री बनने की जिद पर अड़े नाराज सचिन पायलट। राजस्थान सीएम गहलोत के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, इनकम टैक्स टीम ने छापे के दौरान बरामद किए कई अहम दस्तावेज। छापेमारी में टीम ने राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के दर्ज किए बयान, इनकम टैक्स विभाग आज शाम तक कर सकता है कई बड़े खुलासे। सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच सैन्य स्तर की चौथी वार्ता आज, दोनों सेनाओं के पीछे हटने की अगली रणनीति पर होगी चर्चा। एलएसी पर भारत से झड़प पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किया खुलासा, का गलती छुपाने के लिए सैनिकों का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहा चीन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की जल्द होगी शुरुआत, 3 या 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना के चलते मंदिर की औपचारिक शुरुआत में नहीं होगी भीड़ भाड़, समारोह में अमित शाह, राजनाथ समेत चुनिंदा केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। हरियाणा के लोगों को आज मिलेगी 8 सुपर हाईवे की सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। 16,000 करोड़ की लागत से बनने वाले हाईवे से बदलेगी राज्य की तस्वीर, सड़क तंत्र के मजबूत होने से उद्योगों के विकास को मिलेगी नई दिशा। हरियाणा सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की दी मंजूरी, सिरसा, कैथल और यमुनानगर जिले में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। सियासी संकट के बीच नेपाली पीएम ओली ने दिया विवादित बयान, का भारत में है नकली अयोध्या, नेपाली थे भगवान राम। ओली के दावे पर नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने जताई आपत्ति, का पीएम ओली का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं। दिल्ली में नेपाल दूतावास के बाहर नेपालियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, का दुनिया भर के देशों में नेपालियों का सबसे बड़ा मददगार है भारत। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर ने की ओली के बयान की निंदा, का मिट जाएंगी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली वामपंथी पार्टियां। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,07,000 के पार, जबकि अभी तक 23,727 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में एक दिन में 28,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, जबकि 553 की हुई मौत, बिहार में लॉकडाउन पर फैसला आज। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुई 10,482 मौतें, जबकि गुजरात में 2,056 और दिल्ली में 3,411 लोगों ने गवाही जान। हमारी से यूपी में 995 और तमिलनाडु में 2,032 लोगों की हुई मौत, राजस्थान में 518 और मध्य प्रदेश में 663 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना महामारी से पश्चिम बंगाल में अभी तक 956 लोगों ने गवाई जान, तेलंगाना में 365 और आंध्र प्रदेश में 365 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1,32,35,000 के पार, जबकि वायरस से 5,75,000 से ज्यादा लोगों ने गवाई जान। राजधानी दिल्ली में 8% से भी कम हुई कोरोना संक्रमण की दर, विशेषज्ञों ने कहा वायरस पर जल्द लग सकती है लगाम। कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी बड़ी चेतावनी, का वैश्विक स्तर पर और भी खतरनाक होती जा रही है स्थिति। दिल्ली के एम्स में ओपीडी के लिए कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण, ओपीडी में मरीज को देखने से पहले कराई जाएगी वायरस की जांच। कोरोना से बढ़ते मामलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने दी बड़ी चेतावनी, का करोड़ों लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकती है महामारी। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, का देश में हर हफ्ते बढ़ जाएंगे 10 लाख महामारी के मरीज। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायिक आयोग बनाने की याचिका की खारिज। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने बिकरू कांड को लेकर किया बड़ा खुलासा, का विकास दुबे के घर से पुलिस ने बरामद की 4 इंसास राइफलें। पुलिस ने बिकरू कांड में शामिल रहे 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 50,000 के इनामी शशिकांत को भी AK-47 के साथ दबोचा। पाकिस्तान से चल रही नशे और हथियारों की तस्करी का पर्दाफाश, जम्मू कश्मीर के सांबा में तैनात BSF जवान के 3 साथी गिरफ्तार। BSF जवान से तुर्की की बनी जिगाना पिस्तौल और 82 कारतूस बरामद, हथियार और ड्रग्स पहुंचाने के लिए कांस्टेबल को मिले थे 39 लाख रुपए। विधायक की हत्या के बाद बीजेपी ने उत्तरी बंगाल में बुलाया 12 घंटे का बंद, भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति कोविंद को सौंपेगा ज्ञापन। भारत अमेरिकी व्यावसायिक सम्मेलन का अगले सप्ताह होगा आगाज, पोम्पियो निर्मला सीतारमण और SJ करेंगे संबोधित। वीजा मामले में चीन ने कार्रवाई करके अमेरिका को दिया जवाब, अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के वीजा पर लगाया प्रतिबंध। गोवा सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए बनाया एक्शन प्लान, निजी अस्पतालों को 20% बेड आरक्षित रखने का दिया आदेश। आंध्र ने तेलंगाना और कर्नाटक को घोषित किया गंभीर खतरा वाला राज्य, जगनमोहन रेड्डी सरकार ने क्वारंटीन नियमों में भी किया बदलाव। वित्त मंत्री ने की स्वास्थ्य कर्मियों के बीमा योजना की समीक्षा, कोरोना योद्धाओं के बीमा मामलों को जल्द निपटाने का दिया निर्देश।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकारों को दी सलाह का फसल बीमा योजना पर समय से जारी करें सब्सिडी। दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर में बरती गई अनियमितता, कई गिने हाईकोर्ट को अपव्यय के बारे में दी सूचना। उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ की कार्रवाई की मांग का सीएम की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भाजपा सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार का कोरोना वायरस के समय राजनीति न करे मुख्य विपक्षी दल। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर तो मुंबई में भारी बारिश का अनुमान, दिल्ली पंजाब और हरियाणा में मौसम अभी बना हुआ है गर्म। मध्य प्रदेश में इस साल नहीं लगेंगे गणेश उत्सव के सार्वजनिक पंडाल, सार्वजनिक गणेश मूर्ति विसर्जन और ताजिए के जुलूस पर भी रहेगी पाबंदी। नेपाल ने भारतीय निजी समाचार चैनलों से हटाई आंशिक पाबंदी, ओली सरकार ने दूरदर्शन के अलावा सभी चैनलों को किया था बंद। केरल सोना तस्करी मामले में सीएम पिनराई विजयन ने दिया बयान, बोले गलत काम करने वाले किसी को भी नहीं बचाएगी सरकार। छोटे व्यापारियों का संगठन कैट चीन को देगा 4,000 करोड़ का झटका, हिंदुस्तानी राखी से की रक्षाबंधन को मनाने की घोषणा। वाटर शेड विकास परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए देगा नाबार्ड, इस पहल से गांव वापस आए मजदूरों को अपने क्षेत्र में ही मिलेगा रोजगार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।